गुड इवनिंग्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पेपर 6 में स्वागत है। आज हम चलेंगे कोनिक सेक्शन का चैप्टर पढ़ने, 11th क्लास 11 का। तो दोस्तों जो है आज हम शुरू स्टार्ट करते हैं कोनिक। व्हाट इज कोनिक सेक्शन? देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ाएंगे कोनिक सेक्शन क्या होता है। ठीक है बेटा, कोनिक सेक्शन जो होती है, कोनिक मतलब होता है कोन, राइट? कोन के रूप में जो होता है बेटा, कोन के रूप में, राइट? कोनिक मतलब होता है कोन सेक्शन। अब कोन सेक्शन का रूप में आपके आपको चार प्रकार के होते हैं बेटा। पहला होते हैं बेटा सर्कल के रूप में, राइट? दूसरा बेटा होता है इलिप्स के रूप में, यहाँ देखिएगा। तीसरा होता है हाइपरबोला में, हाइपरबोला, राइट? और इलिप्स, सर्कल, हाइपरबोला। और इसके बाद बेटा हम अब हम जो पढ़ेंगे आगे, उसके बाद सर्कल के रूप में हम बेटा आगे बढ़ते हैं। एक होता है पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। तो देखिए बेटा, मैं आपको आज हम बेटा पढ़ाएंगे आपको सर्कल के रूप में, ठीक है? सर्कल जो हम पढ़ाएंगे, बाकी चीज बेटा अगले टॉपिक में रहेगा, अगले वीडियो में रहेगा अपडेट में। तो आज हम सर्कल के बारे में पढ़ाते हैं कि व्हाट इज सर्कल, राइट? तो बेटा सर्कल का टॉपिक है बेटा, उसमें देखिए हम आपको एक चीज पढ़ाएंगे। जैसे बेटा ये आपके सर्कल होता है, राइट? यहाँ से बेटा आपको कहलाता है OA, यानी बेटे OA मतलब होता है रेडियस, क्लियर हो गया? और इसको बेटा बोलते हैं कोण, राइट? PQ बेटा हमारा होता है कोण, राइट? और बेटा इसको अगर यहाँ से मिला देते हो, जैसे मान लो इसको मैंने लिखा BC, राइट? तो बेटा BC जो हो गया बेटा हमारा हो गया डायमीटर, राइट? डायमीटर हो गया। और ओ बेटा हमारा हो गया सेंटर, राइट? समझ गया ना लो बेटा? तो बेटा 11.1 के अंदर बेटा सर्कल के बारे में पढ़ना है। तो बेटा इसको अगर मानते हैं, मान लो कि हमने 100 माइल मान लिया, मान लो सपोर्ट है, इसको मैंने मान लिया एच और के, राइट? क्लियर हो गया? फिर अगर बेटा बोलेगा फॉर्मूला क्या करो डिस्टेंस का, देखो बच्चे डिस्टेंस का, तो क्या लिखोगे? OA का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या पढ़े हो? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, पढ़े हो ना? तो बेटा O हमारा हो गया h और k, राइट? तो बेटा इसको हम बेटा बोलेंगे x1 और y1, राइट? और a हमारा हो गया बेटा x और y, तो बेटे इसको बोलेंगे x2 और y2, ठीक है दोस्त? हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो x2 जो है हम इसको लिखेंगे यहाँ पे x - x1 हमारा हो गया h का स्क्वायर, y2 हमारा हो गया y माइनस हो गया k का स्क्वायर। दोस्तों यही फॉर्मूला आपको इस चैप्टर के अंदर में 11.1 में आपका पूरी चैप्टर इसी पर है, पूरी क्वेश्चन इसी पर है, ठीक है ना बेटे? इसके अंदर जो क्वेश्चन है बेटा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 15 क्वेश्चन है एससीईआरटी का बेटा। मैं आपको पूरा नहीं बता पाऊंगा, मैं बेटा आपको जब मैं पूरी थ्योरी जब हो जाएगी 11th क्लास की मैथ का, तो बेटा हम आपको पूरी मैथ आपको कंप्लीट पैकेज दे देंगे बेटा। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि उसके अंदर में आप इस तरह के मैथ आप इसके ऊपर आप बना सको। देखो दोस्तों, तो बेटे आज हम चलते हैं 11.1 का, देखे ध्यान से। देखो बेटे सुनो पहला क्वेश्चन, ठीक है? फर्स्ट टू फाइव बेटा सेम क्वेश्चन है, सेम है, कोई हार्ड नहीं है। इसमें बेटा मानो दूसरा बेटा मानो बेटा लिखा है सेंटर, राइट? सेंटर बेटा दिया है -2 और 3, राइट? और दिया बेटा रेडियस, रेडियस बेटा दिया है यहाँ पे 4। लिखा है फाइंड द इक्वेशन, बेटा क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, राइट? देखो दोस्तों, तो बेटा एक बनाएंगे सर्कल, राइट? सर्कल बेटा हम बनाएंगे इसको सेंटर, इसको हमने यहाँ से बना दिया ए, तो ये होगा रेडियस, यानी इसका 4 दिया हुआ है और इसका बेटा -2, इसका 3, राइट? तो यानी बेटा इसका हो गया एच और के का मान दिया हुआ है, राइट? अब बेटा हम लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस अर्थात रेडियस, क्लियर हो गया? तो बेटा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस
बाय माइनस के का स्क्वायर, क्लियर हो गया। ओ का मतलब बेटा हो गया आर का स्क्वायर, क्लियर हो गया, क्योंकि बेटा हमारा आर है, यहां से आप इसको मार देंगे, क्लियर हो गया। ओ ही बेटा हमारा हो गया आर। रेडियस एक्स कितना बेटा, एक्स का तो ऐसे दिखोगे माइनस, क्योंकि तो यहां बेटा होगा एक्स और वाई, समझ गया ना। अब यहां देखो एच, एच कितना माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस, यानी बेटा एच का मान आ गया माइनस टू और के का मान आ गया तीन और आर का मान आ गया चार। बेटे मान तो सारा दिया हुआ है, अब तो हमें पुटे तो करना है, प्लस पाई का पाई लिख दिया और के, के कितना बेटा तीन, थ्री का स्क्वायर, देखो दोस्तों आर कितना बेटा फोर का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू प्लस बी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस टू इंटू वाई इंटू थ्री राइट प्लस थ्री का स्क्वायर, फोर फोर हो जाएगा बेटा सिक्सटीन, यहाँ पर फोन लग गया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर राइट, ए माइनस बी का स्क्वायर, समझ आ रहा है ना, ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो फोर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस चार प्लस वाई का स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस थ्री थ्री नाइन राइट, ये हो जाएगा। अब इसको उधर लीजिए, एक्स का स्क्वायर प्लस चार एक्स, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, अब इसको लिखो वाई का स्क्वायर एक साथ चार एक्स प्लस माइनस सिक्स वाई, ये हो जाएगा नौ चार तेरह और माइनस सोलह, इसका टू हो गया जीरो राइट। तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस चार एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस थ्री इसका टू जीरो, ये बेटा आपका आ गया इक्वेशन, क्लियर हो गया दोस्तों। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, छठी माई कीजिए।